हेलो मेरा यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग 34 साइज़ का सिंगल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग, पूरी कटिंग सीखेंगे। तो अगर आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। तो फिर चलिए हम लोग कटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ का लंबाई लूँगी। तो मेरा लंबाई है 13 इंच, तो मैं 14 इंच ले रही हूँ। 1 इंच में सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। एक निशान यहाँ भी दे दूँगी 14 इंच में। 2 निशान देने के बाद मैं लाइन को सीधा कर लूँगी। देखिए सीधा करने के बाद अभी हम लोग कंधा लेंगे। कंधा में 5 इंच ले रही हूँ। एक निशान में नीचे में दे रही हूँ। अभी निशान देने के बाद 2 निशान को मैं मिला दूँगी। अभी 2 निशान सीधा करने के बाद अभी हम लोग आर्म होल के डाउन में ले रही हूँ 5 इंच। एक निशान यहाँ भी दे रही हूँ 5 इंच में। 2 निशान देने के बाद अभी हम लोग सीधा कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ, सामने पर्सन के लिए मैं 1 इंच में निशान दे रही हूँ। और देने के बाद फिर एक आधा इंच में मैं निशान दे रही हूँ। टोटल 1.5 इंच में मैं दे रही हूँ। तो अभी हम लोग राउंड शेप कर देंगे आर्म होल के लिए। शेप अच्छी तरह से दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो ब्लाउज़ फिटिंग में थोड़ा परेशानी होता है। ठीक से देने से अच्छा होता है फिटिंग। तो अभी हम लोग गला लेंगे। गला में चौड़ाई में 2 इंच ले रही हूँ। और सामने का गला का डाउन में 7 इंच ले रही हूँ। देखिए यहाँ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। ऊपर 2 इंच और नीचे 2.5 इंच। अभी हम लोग निशान को सीधा कर लेंगे, बक्स बना लेंगे। ये फार्मूला में अगर आप लोग ब्लाउज करेंगे तो कहीं से भी कुछ परेशानी नहीं होगा पहनने में। देखिए अभी हम लोग शेप दे देंगे। अभी हम लोग गले के पास 1/2 इंच डाउन करेंगे। इससे कंधा नहीं उतरता है, फिटिंग आता है पूरा अच्छी तरह से ब्लाउज। तो अभी हम लोग चेस्ट लेंगे। चेस्ट में 34 का 4 में डिवाइड करने के बाद में मुझे 8.5 हो रहा है। 8.5 को मैं एक निशान देने के बाद फिर 1-2 इंच में सिलाई मार्जिन में दे रही हूँ निशान। अभी हम लोग का कमर है, देखिए हम लोग कमर है 30 इंच। तो 30 इंच को 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का 7.5 हो रहा है। तो मैं 7.5 में एक निशान दे रही हूँ। आगे 1 इंच डॉट के लिए दे रही हूँ। उसके आगे मैं सिलाई मार्जिन 2 इंच लिख रही हूँ। अभी सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन को मिला रही हूँ। और फिटिंग मार्जिन से फिटिंग मार्जिन को मिला रही हूँ। अभी हम लोग बेल्ट के लिए निशान दे रही हूँ। मैं 2.5 इंच में बेल्ट के लिए निशान दे रही हूँ। अभी 2 निशान देने के बाद अभी 2 निशान को मैं सीधा कर लूँगी। अभी सीधा करने के बाद अभी देखिए इस तरफ में और 1 इंच में और एक निशान दे रही हूँ ऊपर। अभी हम लोग शेप दे देंगे बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी लूँगी। कटोरी में 5.5 ले रही हूँ। एक निशान यहाँ भी दे रही हूँ 5.5 में।
अभी दो निशान को मैं सीधा कर रही हूँ। अभी आर्म होल के पास में देखिए, आर्म होल के पास में दो इंच में एक निशान दे रही हूँ। गले के पास में एक इंच में एक निशान दे रही हूँ। अभी सारी निशान हो जाने के बाद अभी सबको मिला देना है अब गोल शेप से। देखिए अभी हम लोग का कटोरी का ड्राइंग पूरा हो चुका है। अभी देखिए, अभी नीचे में देखिए सामने पर्सन के लिए हाफ इंच और ज़्यादा ले रही हूँ। अभी हम लोग कट कर लेंगे। देखिए अभी कट करने के बाद अभी हम लोग पीछे पर्सन को अलग कर लेंगे। देखिए अभी हम लोग अलग करने के बाद पीछे पर्सन में जो हाफ इंच ज़्यादा लिए थे उसको हम लोग कट कर लेंगे, नहीं तो सिलाई करते समय छोटा बड़ा हो जाएगा। पीछे पर्सन के लिए एक इंच ज़्यादा लेना पड़ता है तो मैं डेढ़ इंच ले रही हूँ। पीछे जो आधा इंच लिया वो मिला के डेढ़ इंच, तो इसलिए आधा इंच को हम लोग कट कर लेंगे क्योंकि सामने पर्सन के लिए आधा इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। अभी हम लोग पीछे का गला कटिंग करेंगे, तो पीछे का गला का डीप मैं ले रही हूँ 10 इंच और ऊपर ले रही हूँ 2 इंच, नीचे लिया हूँ 3 इंच क्योंकि ये बहुत डीप गला है ना गोलाई, इसलिए ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए मैं 3 लिया हूँ, नहीं तो हाफ इंच ज़्यादा लेने से चलता है। लेकिन कस्टमर का डिमांड है कि 3 इंच में गोलाई देना है, थोड़ा डीप करेंगे इसीलिए मैं 3 इंच लिया हूँ। अभी देखिए, अभी बॉक्स बनाने के बाद अभी हम लोग शेप दे देंगे। अभी हम लोग कट कर लेंगे, तो देखिए अभी हम लोग का पीछे पर्सन कट हो चुका है पूरा। अभी हम लोग सामने पर्सन के लिए जो है वो वाला पीस हम लोग कट करेंगे। देखिए देखिए अभी हम लोग का पूरा कटिंग हो चुका है। अभी हम लोग कटोरी को बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं एक ठो अलग से पेपर ले लिया हूँ। अभी उसी पेपर के ऊपर कटोरी को रख के अभी जैसा है वैसे हम लोग को अभी ड्राइंग करना है। कि अभी कटिंग होने के बाद ये कटोरी कोई काम का नहीं है, तो पहले हम लोग कटोरी का मिडिल में एक निशान देंगे 1 इंच में, पूरा मिडिल में दीजिएगा। अभी कटोरी का दो तरफ हम लोग 1-1 इंच बढ़ाएंगे। देखिए इस तरफ 1 इंच बढ़ाने के बाद उस तरफ भी 1 इंच बढ़ाएंगे। अभी हम लोग सीधा कर लेंगे निशान को। अभी हम लोग नीचे 1.5 इंच में निशान दे रही हूँ। अभी निशान को मैं सीधा कर रही हूँ। अभी देखिए 1 इंच को अभी हम लोग 1.5 इंच में हमें मिला रही हूँ। इस तरफ भी 1 इंच को 1.5 इंच में मिलाना है। मिलाने के बाद अभी गले के पास भी हम लोग को हाफ हाफ इंच ही बढ़ाना है दो तरफ। देखिए इस तरफ हाफ इंच और इस तरफ भी हाफ इंच हम लोग को बढ़ाना है, ये सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाना है। देखिए अभी हम लोग डट देते हुए अभी ये हाफ इंच को 1 इंच में जाके मिलाना है। गोलाई से पूरा दीजिएगा। अभी इस तरफ हाफ इंच को 1 इंच में मिलाना है। देखिए अभी हम लोग का कटोरी का ड्राइंग पूरा हो चुका है।
अभी हम लोग कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का कटोरी भी कटिंग हो चुका है। उसके बाद हम लोग कटोरी को हाफ कर लेंगे, पूरा मिडिल में फोल्ड करना है। मिडिल में फोल्ड करने के बाद हम लोग का कटोरी का जितना हम लोग लिए थे उसका हाफ प्लस हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेने के बाद एक ठो निशान देना है। जैसे मेरा साढ़े पाँच का हाफ प्लस हाफ इंच लेके मैं एक निशान दे रही हूँ। बाकी जो बचा वो हम लोग का डट के लिए होगा। अभी निशान देने के बाद अभी मैं ऊपर में लूँगी 2.5 इंच एक निशान दूंगी। अभी दो निशान को मैं मिला दूंगी। यह हम लोग का डट हो गया, प्लीट के लिए प्लीट हो गया हम लोग का। अभी हम लोग डट के पास थोड़ा कट कर लेंगे कि हम लोग को मालूम गिरे कि यहीं पर हमको डट होगा। देखिए ये वाला कटोरी हम लोग का पूरा कटिंग हो चुका है। अभी देखिए ये कटोरी बहुत अच्छा फिटिंग आता है दोस्तों। किसी भी साइज़ का आप कटोरी कटिंग करेंगे तो इसी फार्मूला में कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा फिटिंग आता है। देखिए कितना सुंदर कटोरी हम लोग का गोल से निकल गया। तो दोस्तों हम लोग का कटोरी ब्लाउज पूरा कटिंग हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।